हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे एमकॉम सेकंड ईयर के सब्जेक्ट MCO6 के यूनिट वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके जून एंड दिसंबर 2021 जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आप इजीली 70-80% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन द एग्जामिनेशन, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। और इतने क्वेश्चंस आप कर लीजिए, इसके बाद में आपको सेपरेटली अपनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को, कि पेपर किस तरीके से आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आई विल गिव यू सम स्कोरिंग टेक्निक्स, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके MCO1, MCO3, MCO5, MCO7, इन सभी पर मैंने वीडियोज ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो उनको आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्जाम्स में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो आपको अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने पेपर के पैटर्न को। तो MCO6 का जो पेपर है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप जैसे देख सकते हैं MCO6 मार्केटिंग मैनेजमेंट दिसंबर 2020 का जो एग्जाम पेपर है, ये 3 आवर्स का पेपर है। टोटल 100 मार्क्स है, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमसे कितने पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, ओके। तो 9 में से वी हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, तो चॉइस काफी है, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे, चॉइस हमारे पास काफी है, चॉइस काफी है क्योंकि आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, और उस 5 में भी आपके कहीं ना कहीं चॉइस होगी। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में जो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, तो इस शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन में आपके पास में 4 क्वेश्चंस हैं और 4 में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ भी आपको चॉइस मिल गई कहीं ना कहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चॉइस बहुत अवेलेबल होगी, सो राइट क्वेश्चन चूज करना बहुत जरूरी है। तो वही क्वेश्चंस को चूज कीजिए जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। और एग्जाम पेपर में ध्यान रखिएगा, पूरा थ्योरी वाला पेपर है, तो 20 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको प्रॉपरली पढ़िए, और 20 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन का आंसर 5 to 6 pages से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 मार्क्स का कोई भी आंसर 5 to 6 pages, 10 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर 2 to 3 pages में ही होना चाहिए। इसे कम लिखेंगे तो आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे, और जो भी आप लिखें टू द पॉइंट लिखें, ठीक है, फालतू की चीजें ना लिखें, ठीक है। एक ही पॉइंट को आप अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा यूज योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में अपना आंसर लिखने की, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर मैं बात करूं तो आपका हैंड राइटिंग ठीक होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, साफ सुथरा, प्लस यूज डायग्राम्स एक्चुअली एज वेल, डायग्राम्स को भी यूज कीजिएगा जिससे कि आपको ज्यादा मार्क्स मिल सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बड़े बेसिक नेचर के पूछे जाते हैं, और आपको बहुत इजी पेपर मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट लेंदी है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन क्वेश्चंस आपको बेसिक ही मिलेंगे। जैसे देख लीजिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं जो कि सर्विसेज की मार्केटिंग में होते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक बार अगर आपने किताब में भी पढ़ा होगा तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में, सिर्फ आपको डिटेल में अपना आंसर देना है और पॉइंट्स ठीक से लिखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर, इजी, सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, पूरा सब्जेक्ट ही थ्योरी बेस्ड है, कोई भी न्यूमेरिकल इसमें नहीं आता। तो आई एम श्योर इतना समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट यूनिट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो है 19, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में अगर हम बात करें तो टोटल यूनिट्स है हमारे पास पढ़ने के लिए, अगर आप पूरी बुक्स पढ़ते हैं तो 19 यूनिट्स है जिसको आपको पढ़ना है। अब 19 में से कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो यूनिट नंबर 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है,
यूनिट नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनिट नंबर आपके इसके बाद आती है 7, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यूनिट नंबर उसके बाद है 8, फिर हमारी है यूनिट नंबर 9, ये सभी इम्पॉर्टेंट है आपकी। यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11, तो यहाँ तक ये सभी इम्पॉर्टेंट है हमारी। इनमें से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एंड इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 13, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिख लीजिए। यूनिट नंबर 15 और यूनिट नंबर 17, यूनिट नंबर 18 एंड यूनिट नंबर 19, ये यूनिट्स ऐसी हैं कि इनमें से आपको ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर भी मिल सकता है, ठीक है। इनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इन सभी यूनिट्स को आप लिख लीजिए। थ्योरी बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी बेस्ड होंगे। अब मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेक्ट किए हैं उनको यूनिट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सभी यूनिट्स के यहाँ पे कंसीडर किए हैं, और इन सभी को आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो दैट्स माई गारंटी, आराम से 70-80% मार्क्स आ जाएंगे। बस बाकी जो भी है डिपेंड करेगा आपके प्रेजेंटेशन पर और आपकी परफॉर्मेंस पर एग्जाम्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगेन वही, जैसा कि सभी वीडियोस में बोलता हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा एंड इंपॉर्टेंट भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा और इंपॉर्टेंट को उनके बाद में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिलोसफीज अंडर विच द बिजनेस एंटरप्राइजेस कंडक्ट देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिलोसफीज हैं मार्केटिंग की, उनके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है और उनके इवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 4 स्टेप्स इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं, उनके बारे में आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। 10 मार्क्स में आपको आपका इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन मिल सकता है। सो नाउ बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ में आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर भी अपनी जो क्वेरीज है पूछ सकते हैं। ये फेसबुक ग्रुप है तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनको भी क्वेरीज होती है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपका ग्रुप डिस्कशन का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, प्लस आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। यूनिट 2, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, हाउ डू एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट मार्केटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर न्यू चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन्वेंटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बताना है जो कि मार्केटिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट करते हैं, और अगर कोई नया चीपर सोर्स आता है एनर्जी का तो उसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो इंडस्ट्री है उसको बूम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट्स ऑफ मार्केटिंग, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच हैव एन इंपैक्ट ऑन मार्केट एंड मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, कमेंट गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से तो इसका भी आंसर लिख सकते हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 है बायर्स बिहेवियर। अब आप सोच रहे होंगे यूनिट नंबर 3 कहाँ है, तो थोड़ा सा मैंने जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उनको पहले लेने की कोशिश करी है और बाद में आपकी जो थोड़ा सा लेस रेलेवेंट यूनिट्स हैं उनको मैंने बाद में रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस, डिस्क्राइब इंटरवेनिंग फैक्टर्स बिटवीन परचेज इंटेंशंस एंड परचेज, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केटर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर सिचुएशन, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन दी परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 4, जैसे आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल यूनिट है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। और नेक्स्ट यूनिट जो कि काफी रेलिवेंट है और काफी क्वेश्चन आते हैं, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। इसमें आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं,
जैसे व्हाट इज मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल सिस्टम अप्रोच एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स. व्हाट विल बी द मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स फॉर अ दिल्ली बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसिंग सेवरल नेशनल ब्रांड्स. तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, आगे भी आने के चांसेस है. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च. क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस मार्केटिंग डिसीजन एरियाज. इंपॉर्टेंट. यूनिट नंबर 16, मार्केटिंग कम्युनिकेशन. लेट्स टॉक अबाउट, सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स एंड इट्स वेरियस कॉम्पोनेंट्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स यू कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग प्रमोशन मिक्स डिसीजंस. एक्सप्लेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, टाइम मिले तो प्रिपेयर कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 8, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा सा ही अब अपग्रेडेड वर्जन है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. अगर आपने प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं अच्छे से पढ़ी हैं IBO 2 की, तो यू कैन डेफिनेटली राइट योर आंसर विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स. व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले बतानी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस इंक्लूडेड है, एग्जाम्पल्स देने हैं, और साथ ही साथ एक नया प्रोडक्ट क्यों फेल होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बताना है. नेक्स्ट इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. डिस्कस द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय मार्केटर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ये इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, आपको बताना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है और कौन कौन सी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज हैं जो अडॉप्ट की जाती है एक मार्केटर के थ्रू एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 5, मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन. क्वेश्चन है सबसे पहला, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन एंड स्टेट द बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स एंड एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ दोज बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. Now differentiate between consumer market and organizational market. Discuss the distinctive characteristics of organizational market. Again a most important question. और ये थर्ड वाला हमारा इंपॉर्टेंट है. Identify the steps involved in segmenting and targeting markets. Explain the different factors used to segment industrial market. ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पहला दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यूनिट नंबर 6, मार्केट टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. चलिए फटाफट डिस्कस करते गाइस. वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना. बाकी एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोज भी ऑलरेडी अपलोडेड है. तो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग, गिव सूटेबल एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर. तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनके बारे में आपको बताना है, कौन कौन सी स्टेप्स इंक्लूडेड होती हैं आपके पोजीशनिंग करते टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो बताना है. अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीपोजिशनिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन पोजीशनिंग द प्रोडक्ट, गिव एग्जांपल्स. यूनिट नंबर 19, इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग. तो इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स में. रोल ऑफ सेल्स फोर्स इन रिलेशनशिप मार्केटिंग. तो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका एक पार्ट है जो है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जो कि रिलेशनशिप मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो उसका रोल क्या है उसको भी समझ लीजिएगा. ग्रीन मार्केटिंग क्या है, सोशल मार्केटिंग क्या है, और इंटरनेट का क्या रोल है कंज्यूमर गुड्स के मार्केटिंग में. आपको भी पता है अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी जो वेबसाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं, आपका ई कॉमर्स के तौर पर काम कर रही है और कंज्यूमर गुड्स की मार्केटिंग में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही है. तो आपको रोल बताना है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यूनिट नंबर 7, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन. सो डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिस्कस वेरियस चैलेंजेस इन द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट आइटम एंड प्रोडक्ट मिक्स विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स. डिस्कस वेरियस प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस्ड बाय मार्केटर्स. इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, आपको प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बताना है, इनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताना है, और कौन कौन सी प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज होती हैं जो मार्केटर्स परफॉर्म करते हैं, यूज करते हैं, बताइएगा. डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन देना है आपको कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स में, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट यूनिट वी हैव ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सर्विसिंग. तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. डिस्कस देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपिंग अ ब्रांड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा इसको,
What is packaging? Explain its requirement and discuss any five packaging strategies considered suitable for consumer goods like toothpaste. Most important, packaging क्या है, क्यों हम packaging करते हैं और क्या कौन सी पांच पैकेजिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप कंसीडर करेंगे किसी भी कंज्यूमर गुड्स के लिए. अब कंज्यूमर गुड्स कैन बी एनी, यहाँ पर टूथपेस्ट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज अ मार्केटिंग मैनेजर स्टेट वेदर यू प्रेफर फैमिली ब्रांडिंग और इंडिविजुअल ब्रांडिंग, गिव रीजंस फॉर योर डिसीजन. तो फैमिली ब्रांडिंग क्या होती है, इंडिविजुअल ब्रांडिंग क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा आप चूज करेंगे अगर आपको दोनों में से चूज करने का ऑप्शन दिया जाए, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. यूनिट नंबर 10, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है. पहला नंबर क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल्सो डिस्कस द बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन एंड देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करेंगे, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपको वो बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और इन्हीं में पार्ट आ जाता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का, परसीव वैल्यू प्राइसिंग का, प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है. तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट नंबर 11, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. Discuss the various strategies of geographic pricing with examples and explain the two pricing strategies normally adopted by marketer for pricing new product. तो देखिए, geographically भी pricing decide की जाती है products की, तो कौन कौन सी strategies हैं उनके लिए आपको बताना है, और जब एक नया product आप launch करते हैं तो उस time पर कौन सी pricing strategies एक marketer adopt कर सकता है उसके बारे में बताना है. तो वो जो दो strategies होती हैं वो होती है market skimming and market penetration, ठीक है, pricing. तो इसके बारे में या तो आपसे separate question पूछ ले जाएगा या इस तरीके से पूछ ले जाएगा, दो pricing strategies बताओ जो marketer new product को price करते time पे use करता है. तो ये जो मार्केट स्किमिंग एंड मार्केट पेनिट्रेशन टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका ये डिप्लॉय की जा सकती है स्ट्रेटजीज, प्लीज मेक श्योर यू रीड इट केयरफुली, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, जो वेरियस स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी ज्योग्राफिक प्राइसिंग की, उसमें ये सब आ जाती है, एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, बेसिंग प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये सारे जो डिफरेंस बिटवीन ये पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है. तो पूरा चैप्टर ही जैसे मैंने आपको बताया 10th 11th इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा. यूनिट नंबर 12, रेगुलेशन ऑफ प्राइस, इसमें से एक ही कॉन्सेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का, कि रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या है, इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, और क्या लीगल प्रोसीजर्स हैं रेगुलेट करने के लिए रीसेल प्राइस मेंटेनेंस के इंडिया में, वो आपको बताने हैं. तो यूनिट नंबर 12 में से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यूनिट नंबर 13, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड आर डिफरेंट for different products, explain and state the reasons for it and discuss the factors influencing the choice of channels of distribution, give suitable examples. Most important है. तो अलग अलग products के लिए अलग अलग channels of distribution use होता है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्या उसके पीछे reason है, वो आपको बताना है, और कौन से you know factors होते हैं जो कि आपकी choice को you know influence करते हैं जब भी आप एक channel of distribution decide करेंगे. Now next question, जो कि most important है, what is channel conflict? Identify the causes of channel conflicts and suggest remedies to manage the channel conflict. तो channel conflict क्या है, क्यों आपका channel conflict होता है, और क्या क्या remedies हैं channel conflicts को manage करने के लिए, वो आपको बताना है. Now next question is functions of channels of distributions, direct channels of distribution, intensive distribution and extensive या exclusive distribution, ये most important है, ठीक है, functions और C, ये दोनों ही most important है. Now unit number 18, advertising and publicity. What is advertising? Describe its advantages and various mediums available. Most important, no single medium of advertising is ideal in all respects. Critically examine and also explain the advertising management process. Most important, what is publicity? How is it different from advertising? Give examples to support your answers. Ye important hai. Unit number 17, personal selling and sales promotion. तो ये हमारी तो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन मिक्स एंड देयर रिलेवेंस इन मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, डिस्कस द रीजंस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रमोशन इन इंडिया. इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा कि सेल्स प्रमोशन मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और क्या उनकी रेलिवेंस है नए प्रोडक्ट के मार्केटिंग में, और क्या रीजन है कि जो सेल्स प्रमोशन है उसकी रैपिड ग्रोथ हो रही है इंडिया में. Now discuss the various steps involved in the personal selling process. Personal selling process में कौन कौन सी steps involved हैं वो आपको बतानी है, ये most important है. Write note on qualities of a good salesperson, ये भी आपका important है. Unit number 14, marketing intermediaries. अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे questions जो important है, functions of wholesalers, functional middlemen, departmental stores and chain stores, ये most important है.
बाकी ये इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज यूज्ड. व्हाट रोल क्लास इंटरमीडियरीज प्ले इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स. कैन इंटरमीडियरीज बी एलिमिनेटेड. गिव रीजंस. इसको टाइम मिले तो प्रिपेयर कर लीजिएगा. सो गाइज यहाँ पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो वी हैव डिस्कस्ड. तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आई एम श्योर कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझ में आए होंगे. एग्जाम सिंपल ही होगा, क्वेश्चंस भी सिंपल होंगे, बस आपको सही से क्वेश्चंस को चूज करना है. ठीक है, क्वेश्चंस को चूज करते टाइम पे बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि गलत क्वेश्चन चूज कर लिया देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर आंसर्स प्रॉपरली. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेंशन मत लीजिएगा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम.